भाई आज का जो कमेंट है वो बहुत अच्छा है, सभी के काम आएगा। जे हसन इमाम हमें कमेंट करते हैं, भाई जी नले क्या सिर्फ पेट में ही होते हैं, जब पीछे पेट में से होते हुए कमर से ऊपर भी होते हैं। मुझे ये समस्या है, मेरे पेट में लेफ्ट साइड खिंचाव रहता है, प्लीज भाई कोई उपाय बताओ। आपको ना अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में पत्थरियां होती हैं, स्टोन होते हैं, उसके कारण भी खिंचाव बनता है। किसी किसी व्यक्ति को हर्निया की समस्या होती है, उसके कारण भी ये समस्या हो सकती है। और ज्यादातर लोगों को गैस की समस्या होती है। खिंचाव जो है वो गैस के कारण भी हो सकता है और हमारे पेट में किसी भी तरह की इन्फेक्शन सोज के कारण भी हो सकता है। सबसे पहले आप अपने खाने पीने को सुधारो। और आप पूछ रहे हो कि नले क्या सिर्फ पेट में होते हैं? भाई हमारे पेट में, जिस आप ये फोटो देखो, हमारे पेट में इतनी मोटी मोटी नसें होती हैं, बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, बहुत ज़्यादा नसें होती हैं। हमारा शरीर जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, अंदर बारीक बारीक मोटी मोटी नसों से भरा हुआ है। तो नसें तो हमारे शरीर के हर एक हिस्से में है। आपने ये करना है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करो, वॉक करो, थोड़ा सैर पर जाओ, घूमो फिरो, ठीक है। हमने सिर्फ खाना पीना ही नहीं खाना, इससे बीमारियां बनती है, इससे गैस बनती है। गैस के लिए सौंफ का पानी है वो पियो, नहीं तो सूंठ आती है, सूंठ का पानी भी आप पी सकते हो। जैसे ही आप सौंफ का पानी पीना शुरू करोगे, तो अगर जो गैस के कारण आपके खिंचाव बनता है, दर्द होता है, थोड़ा सोज पड़ गई है, तो भाई सौंफ का पानी पीने से ही जो आपका जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इसका जो सेवन है आप 1-2 महीने के लिए लगातार कर सकते हो। और सुबह हमने खाली पेट सौंफ का पानी पीना है। और इतना ज्यादा मत सोचो कि नले क्या पेट में होते हैं, पीछे होते हैं, कमर में होते हैं। भाई इतना नहीं सोचना, बस आपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अंदर हमारे इतने जंतर मंतर हैं कि अगर हम देखेंगे इन आंखों से, ये जो मांस उतार कर देखोगे ना हाथ पर, इतनी बारीक बारीक नसें हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। जहां से लेकर जहां तक हमारे इस पूरे शरीर का नक्शा है, इस हाथ में भी और पैर में भी। तो भाई इस चक्रों में मत पड़ो, आपने सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखना है। ऐसी चीजें खाओ जिससे गैस ना बने, जिससे खिंचाव ना बने। दिन में ऐसा काम करो कि हमारे पूरे शरीर का वर्कआउट हो जाए, तो आपकी भाई कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इन दोनों बातों को फॉलो कर लो, आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी।